लगता है गाड़ी बंद पड़ गई, एक छोटा सा धक्का लगाना पड़ेगा, जोर लगा के। भाई साहब थोड़ी हेल्प कर दो ना, ये गाड़ी ना धक्का मार के घर तक ले जानी पड़ेगी, ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। पत्रकार होकर इतना भी नहीं पता कि पहली बार लड़की के साथ डेट पर जाते हैं तो कैसी गाड़ी लेकर जाते हैं? प्लीज मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो, आपको तो पता था ना कि गाड़ी बिगड़ी हुई है। पर टोनी ने कहा था कि पप्पू ये गाड़ी लेकर जा, तेरा काम बन जाएगा। और काम तो बना नहीं, उल्टा बिगड़ गया। I'm so sorry. तुझे, मैं तुझे चाबी की तरफ फेंकूंगा और तकिया की तरफ फाड़ूंगा। तो रुक, मैं आ रहा हूँ। तुझे, तुझे। पप्पू भाई, पप्पू भाई। और छोड़ूंगा नहीं सब। पप्पू भाई, अरे कहे जब तुम गुस्से में थे, अभी इतने गुस्से में? पप्पू भाई। स्लिप ऊपर करो और ऊपर लो। गुड। छोड़े। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अरे रुको तो सही। छोड़े 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 छोड़े। ये तो पोपट भाई की आवाज है। जोर से किशन दे दिया। पोपट भाई की आवाज है, अब की हो लो? मालूम नहीं, चलो देखते हैं। ये पोपटला सुड़ी का नाम लेके क्यों चिल्ला रहा है? आता काय झालं बाबा? तोडे! क्या हुआ हंस? कोमल, ये पोपटलाल की चिल्लाने की वजह से मेरा पेशेंट भाग गया है। ये पोपटलाल चिल्ला क्यों रहा है? पता नहीं क्या हो गया। चलो। हाँ। तोडे! तोडे! अरे पोपटलाल! ओ पोपटलाल, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ भाई, क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो? हाँ। अरे जेठालाल, चिल्लाना जोर से ही होता है। अरे चोखलियन पछे, अब क्यों चिल्ला रहे हो? ये मैं पूछ चुका हूँ। तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हाँ ये नहीं पूछा मैंने, ये पूछो। अरे बोलना भाई पोपटलाल, एक तो कितने टाइम के बाद रविवार दोपहर को है ना शांति से सोने का मौका मिला, अभी तेरी चिल्लम चिल्ली की वजह से मेरी नींद खराब हो गई। हाँ, और मेरा पेशेंट भी भाग गया। बताओ भाई क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ पोपटलाल, क्या हुआ बोलो। टोडे को यहाँ आने दीजिए, सबको सब पता चल जाएगा। टोडे! लगता है आज बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। टोडे! अरे भाई लगता है घर पे नहीं है। हाँ तेरी चिल्लम चिल्ली से मैं नींद से जाग के आ गया, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, मतलब वो घर पे नहीं है। सही बात है, वो घर पर ही है। तो फिर बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि घोड़े बेच के सो रहा है। अरे यहाँ मैं उसके शेर की वजह से इतना परेशान हो गया हूँ और वो घोड़े बेच के सो रहा है। अरे ओ पोपटलाल, चिल्लाना बंद करो ना। नहीं करूंगा, चिल्लाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तक सोडिया नहीं आ जाता तब तक मैं चिल्लाता रहूंगा। पोपटलाल, क्या हो गया पोपट भाई को? मालूम नहीं। अरे सोडे, तुम क्यों शुरू हो गए भाई? अरे जब तक सोटी आएगा नहीं ये चिल्लाता ही रहेगा और मुझे सोना है भाई। चिल्लाओ चिल्लाओ सब चिल्लाओ। किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके उसको लेके आता हूँ। तब तक आप जरा इसको संभालो नीचे। अब्दुल, Thank you.
सोड़ी सोड़ी जाग जा सोड़ी, जल्दी से दरवाजा खोल वरना वो पोपटलाल चिल्ला चिल्ला के कान फाड़ देगा सबके। सोड़ी सोड़ी ओए पिड़ू तू। हाँ आया 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 ये क्या है? सपना नहीं है, तू सच में आया है? अरे सपना है कि नहीं चेक करने के लिए खुद को चिमटी काटे सामने वाले को नहीं। ओए सपना नहीं है। गुड मॉर्निंग पीड़ू। अरे काका गुड मॉर्निंग, पता भी है टाइम क्या हुआ है? ऐसे घोड़े बेच के कौन सा होता है? मैं, और तू क्यों जगाने आ गया? अरे वो पोपटलाल कब से तुम्हारा नाम लेके चिल्ला रहे कंपाउंड में, पूरी सोसाइटी सर पे उठा ली है। क्यों? अरे मालक है महित, पूछा तो बोलते है थोड़ी काने दो फिर बताऊंगा, थोड़ी काने दो फिर बताऊंगा। मैनू पता है क्यों? अरे बोलना मैं है क्या करते बोल। अरे वो मेरा लकी शेर लेके गया था ना, तो लगता है उसकी बात बन गई है, और ये गुड न्यूज वो सबसे पहले मुझे सुनाना चाहता है। सोडे सोडे, अरे भिड़े सोडे, भिड़े भी नहीं आ रहे, वो भी सोडी के घर पर जाकर सो गया क्या? ऐसे ही लगता है। अरे बाहर क्यों नहीं आ रहा है, डर गया क्या? तेरे तीन गिनने तक, अगर तू यहाँ नहीं आया तो मैं तेरे घर का दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस जाऊंगा। कैसे क्यों बोल रहा है? अरे वही तो पता नहीं चल रहा, वो गुस्से में चल 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 उकड़ चल। एक दो तीन मत गिनना, तीन मत गिनना, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ये हो गया बोबू, चिल्ला क्यों रहा है? दू मैं तेन चंद खिंच गया। की बोलिया तू? यही बोला था ना तूने मुझे कि मेरे पास गड्डी होते हुए तू ये कह रिया थी कि मेरे पास गड्डी नहीं है। मेरे शेर नू भूल गया? अरे तेरा शेर भूलने लायक ही है? ओए पप्पू बस कर, ए दस मेरा शेर कितने है? छोड़ तेरे शेर को, पहले ये बता कि तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं सुबह से बिगड़ा हुआ है। अरे सिर्फ तेरा फोन नहीं बिगड़ा है, तेरा दिमाग भी बिगड़ा है, तेरी गड्डी भी बिगड़ी है। अरे लक्की नहीं अनलक्की है तेरी गड्डी, अनलक्की। ऐसा क्या हो गया आज के पोपट भाई सोडी भाई को इतना सुना रहे? पता नहीं। बस पोपू मेरी गड्डी को अनलक्की मत बोल। बोलूंगा बोलूंगा, एक बार नहीं हजार बार बोलूंगा, अनलक्की अनलक्की अनलक्की। तीन बार हुआ। ओए पप्पू शांत हो जा। क्या शांत हो जा, तेरी गड्डी की वजह से आज अनोखी थी मुझे छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई, देख पप्पू तेरे नाल जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इसमें मेरी गड्डी की क्या गलती है? तेरा गलती तेरी गड्डी की है, पनौती है पनौती। पनौती? मैं इसके आगे मैं अपनी गड्डी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। सुनना पड़ेगा, आज तेरी गड्डी की वजह से मैं बहुत कुछ सुन के आ रहा हूँ। पप्पू ये सब छट, तू मैनु ये दस मेरा शेर कितने है? अरे तेरा शेर शहर में रहने लायक नहीं है, जंगल में छोड़ दिया उसे। की? हाँ? जंगल? और कौन से जंगल में? कौन नहीं बताऊंगा। पप्पू मैं तेनु छटा नहीं। अरे आजा, मैं डरता नहीं हूँ तुझसे। अरे ये सब क्या हो रहा है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी गड्डी कितने है? अरे तू जितनी भी बार पूछेगा मेरा एक ही जवाब होगा, नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा कि तेरी गड्डी कितने है। ठीक है, मैं अपनी गड्डी खुद तोड़ लूंगा, लिया तू मेरी गड्डी की चाबी दे।
चाबी, अरे तेरी गड्डी की चाबी को तो मैंने ऐसे घुमा के फेंक दिया। ना रहा पास और अब ना बचेगी बांसुरी। अरे अब तू देख मैं तुझे कैसे गोल घुमा के फेंकता हूँ। अरे छोटी उसे छोड़ दे, कुंवर है बेचारा, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। आठ हो जाती अगर इसकी बनहोस गड्डी को लेकर नहीं गया होता तो। और मेरा लक्की शेर को बनहोस बोलता है। गुस्सा छोड़ दे भाई। आज ना गुस्सा छोड़ूंगा और ना इस पप्पू को छोड़ूंगा। तुम लोग मुझे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, उल्टा मुझे पकड़ो। पता नहीं आज मैं क्या कर बैठूंगा। मैं मेरे आप में नहीं हूँ। क्या बोल रहे? देखो पोपटलाल क्या बोल रहे हो? शांत हो जा भाई। अरे कैसे शांत हो? इसकी गड्डी की वजह से मेरी जिंदगी अशांत हो गई है। पप्पू वो सब छोड़, तू ये देख मेरी गड्डी कितनी है। बोला ना नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। पोपटलाल बता दो लगे गाड़ी का। हाँ भाई बता दो भाई, एक तो बेचारे ने उसकी गड्डी हाथ तुझे दी। भाई तो क्यों दी? नहीं दी होती तो अच्छा होता। पप्पू अगर मेरी गड्डी को एक भी खरोच चाहिए होगी ना इंजर पिंजर। उल्टा मैंने तेरी गड्डी की दुनिया हिला दी है और अब तेरी दुनिया हिलाऊंगा। रोशन भाभी बिल्कुल सही कहती है, तेरी खटारा गड्डी को बेच देना चाहिए। पर भाई अगर वो कोई खरीदता नहीं है ना तो भंगार में दे देना चाहिए। खबरदार पोपटलाल क्या बोल रहे हो? और अगर कोई भंगार में भी नहीं लेता तो किसी ऊंची पहाड़ी पे ले जाके धक्का मार के फेंक देना चाहिए। पप्पू अरे क्या पप्पू पप्पू कर रहा है? तेरी गड्डी की वजह से मेरी जिंदगी का पप्पू बच गया है। अनलकी कार, और मैं तो कहता हूँ वो कार ही नहीं है, बेकार है बेकार। पप्पू चुप हो जा, खबरदार तू मेरी गाड़ी को बेकार बुलाया तो। वरना क्या कर लेगा तू? कर ले जो करना है वो। यारो छोड़ दो मेरे। अरे हमने अगर तुम्हें छोड़ दिया ना तो तुम पोपटलाल को नहीं छोड़ोगे। और ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम पहले कसम खाओ कि तुम पोपटलाल से हाथ नहीं उठाओगे। अरे बोला ना मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं ऐसे नहीं, तुम अपने गड्डी पे हाथ रखे कसम खाओ। नहीं गड्डी की कसम खाओ कि तुम पोपटलाल से हाथ नहीं उठाओगे। और ठीक है यारो, मैं अपनी गड्डी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं पप्पू पे हाथ नहीं उठाऊंगा, पैर भी नहीं। हाँ नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, बरोबर है। ठीक है छोड़ो मेनू। अरे ऐसे नहीं तो कसम खा, बोल भाई। हाँ बोलना पड़ेगा फिर से। हाँ हाथ पैर कुछ नहीं उठाऊंगा ऐसा। ठीक है मैं गड्डी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं पप्पू पे हाथ पैर कुछ नहीं उठाऊंगा। हाँ उठता छोड़ो। हाँ चलो बैठ। पोपट भाई गए? नहीं सौड़ी ने कदम उठाया है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा ना? अब मुझे क्या पता, वहां देखो सौड़ी। थोड़ी थोड़ी नहीं नहीं हाथ पीछे। पैर तो चलने के लिए चाहिए। पोपो छेती छेती दस मेरी गड्डी कितनी है? नहीं दस दूंगा। पप्पू जिद ना कर, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, बता दे मेरा शेर कितने है। अरे तुझे एक बार बोला समझ में नहीं आ रहा है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बता दो पोपटलाल। अरे घर जाकर सोना है भाई। नहीं बताऊंगा मतलब नहीं बताऊंगा।
पोपट भाई बता दीजिए वरना झगड़ा बढ़ जाएगा। हाँ पोपट भाई प्लीज कुछ समझो, प्लीज बता दो। पोपटलाल भाई प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए। अरे बहनों, इसकी गड्डी की वजह से अनोखी जी मुझ पर गुस्सा होकर छोड़ के चली गई। आप पर अभी जो हो गया वो हो गया। बस पप्पू तू दस दे, मैं तेनु आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि मेरी गड्डी कितने थोड़ी थोड़ी कसम 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 थोड़ी कसम कसम खाई है तूने छोटी, हाथ पैर दोनों। ओ यार कल नु समझते दस मेरा शेर कितने है। नहीं बताओ कोई दस चाहता छोड़। नहीं अरे चाहता छोड़, जब तक तू मुझे मेरी गाड़ी का मालिक नहीं बताएगा मैं तुझे तेरा चातक नहीं दूंगा। चाचा के साथ मजाक नहीं। ओए पहले मेरी गड्डी के बारे में बता। अरे तू पहले छाता छोड़, पहले बता गड्डी कितनी है। अरे जब तक ये छाता नहीं छोड़ेगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा। अरे वाह, मतलब वो बताने को तैयार है छोटी, छोड़ दे छाता। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे इस पे भरोसा नहीं है, जब तक ये मेरी गड्डी के बारे में नहीं बताएगा मैं इसे छाता नहीं दूंगा। तो पहले छाता छोड़, उसके बाद ही मैं तेरी गड्डी के बारे में बताऊंगा। अरे छोटी वो बताने को तैयार है भाई, छोड़ देना छाता। तू जिद्दी है ना तो मैं भी अड़िया लूं। बबीता जी अभी देखो पोपटलाल तैयार है तो अभी ये छोटी नड़ गया, अभी क्या करने का है इसमें। क्या करें, इनके सब कुछ समझ में नहीं। वही तो, अभी तो दोस्तों सब ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। ओ जेठालाल बुला रहे। अच्छा आई, ओ अच्छा पहुंच गया। क्या चला? ए बुला रहे, क्या हो गया अभी? अरे सुनो सुनो, हम सब मिलके एक बार सोड़ी से छाता छुड़वाते, एक बार पोपटलाल के पास छाता आ गया तो वो बता देगा कि गड्डी का मैटर ओवर। अब बता मेरा शेर कितने? पहले मेरा छाता दे। ओए आखिरी बार पूछ रहा हूँ पप्पू, बता दे मेरा लकी शेर कितने वरना। बता क्या करेगा तू? वरना आता गया छत पे। बोपटलाल शांत हो जाओ। आप लोग इसे समझाओ कि मेरा छाता दे दे वरना मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। पोपटलाल, ओए जब तक तू मेरी गड्डी के बारे में नहीं बताएगा ना मैं तुझे सोसाइटी के बारे कदम नहीं रखने दूंगा। सबकी दुनिया हिला देने वाले पोपटलाल की दुनिया हिल गई और पोपटलाल ने गोकुलधाम वासियों की दुनिया हिला दी। सोडी को उसके गुस्से का रस चखा दिया, अनोखी जी ने रिश्ता जुड़ने से पहले ही रिश्ता तोड़ दिया और पोपटलाल ने सोडी की गाड़ी को जंगल में छोड़ दिया। फिर जो खुशी का माहौल था वो हंगामे के माहौल में बदल गया। सोडी ने पोपटलाल का प्यारा सा छाता फेंक दिया और पोपटलाल ने जंग का ऐलान कर दिया। पोपटलाल और सोडी आमने सामने आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि गोकुलधाम एक युद्ध भूमि बन गया है। अनोखी और लकी कार के चक्कर में पूरी गोकुलधाम पिसने वाली है और ना पोपटलाल समझ रहा है और ना ही सोडी समझने को तैयार। लगता है कि पोपटलाल के टूटे दिल का बिल पूरी गोकुलधाम को भरना पड़ेगा और अपनी लकी कार के लिए सोडी पोपटलाल से लड़ेगा।
गोकुल धाम में सुबह को जो खुशियों की लहरें आई थी ना, अब वो सुनामी में बदलने वाली है। क्या होगा पोपटलाल और सोडी के बीच में, ये जो युद्ध का माहौल है ना, ये कौन सा मोड़ लेगा? दोस्तों गोकुल धाम में तो झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इस बार का झगड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जितना बड़ा झगड़ा यहाँ पर होगा आपके लिए उतना ही बड़ा मनोरंजन होगा। यहाँ जितने भी हंगामे होंगे आपके घर पर खुशियों के पैगाम ही पहुंचाएंगे। यहाँ टेंशन बढ़ेगा तो आपके लिए खुशियों का पेंशन बढ़ेगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तू मेरा छाता उतार के दे। माता का संबंध? तू सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है और मेरा छाता सोसाइटी ऑफिस के छत पे है। ओए खबरदार, खबरदार किसी ने भी पप्पू का छाता उतार के दिया तो